हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल एन टी वी ब्लॉग टेक में स्वागत है। ये हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग अभी तो जा रहे हैं रोहतांग पास, और अभी ये वीडियो ओनली डिफाइन करता है रोहतांग पास का रोड को। एक्चुअली रोहतांग पास का रोड को जनरली सब पब्लिकों ने जितना भी सब वीडियो पोस्टिंग हुआ है डेंजरस रोड बताया है। हालांकि डेंजरस तो है, लेकिन रोड के अंदर में ब्यूटी भी बहुत बड़ा बड़ा है। और इस रोड में हम लोगों को जाने के लिए जो भैया हम लोगों को सबसे बड़ा सहायता किया, ये है भैया सामने लेखराम भैया। और ये लेखराम भैया हम लोगों को सिर्फ घुमाया नहीं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जो बोलते हैं, मतलब अगले का प्रोफेशनलिज्म को पूरा छोड़ के वो अगला जो है हम लोगों को खाली रोहतांग वैली नहीं घुमाया। रोहतांग वैली का थोड़ा सामने जा कर के एक जीरो पॉइंट आता है, ये भैया जो है जीरो पॉइंट तक हम लोगों को लेके गया, जो जीरो पॉइंट जो है आपका रोहतांग वैली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। उस जगह का नज़ारा भी बहुत औसम था, मतलब इतना औसम था जो आपको तो आगे जाके हम लोग वीडियो में दिखाएंगे ज़रूर। और ये जो भैया लेखराम भैया है, ये एक्चुअली शिमला से बिलोंग करते हैं, शिमला का ड्राइवर है ये। और शिमला का ड्राइवर आपका पूरा ले भी जा सकता है, आपका ये शिमला से मनाली भी आ सकता है। और ये जो भैया है एक्चुअली इसके पास में होटल का और आपका सही जो खाने का जगह है सब कुछ नॉलेज है। ये नॉलेज मतलब इतना बढ़िया है क्योंकि हम लोगों को एकदम किफ़ायती जगह में रखवाया भी है, रुकवाया भी है, खाना भी खिलाया है। और एकदम जो बाहर का खाने का एक अलग टेस्ट होता है जो जनरली सबको भाता नहीं है, लेकिन ये सब जगह में जहाँ जहाँ हम लोगों को लेके गया ये सब जगह में एकदम मस्त खाना मिला है। और ये जो भैया के साथ में मेरा इंटरव्यूइंग चल रहा है, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इसमें वीडियो तो आ गया लेकिन ऑडियो पूरा मिसिंग है, इसलिए हमको वॉइस ओवर करना हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, वॉइस ओवर तो हो रहा है, भैया के बारे में तो हम कुछ सब कुछ जो जो हमसे हो सके हम तो बता दिए। प्लीज़ आप लोग आइए भैया के साथ में घूमिए, और भैया के साथ में घूमने के साथ में पूरा वैली का मज़ा लीजिए। और ये ज़रूर है शिमला नहीं, सिर्फ शिमला नहीं, शिमला से मनाली भी जाइए या तो ले जाइए, लद्दाख जाइए, भैया आपका साथ में रहेगा। और एक्चुअली भैया के साथ में इतना बोलने का कारण ये है कि भैया के साथ में हम लोगों का थोड़ा रिश्ता जैसा बन गया है, बीच बीच में फ़ोन में बातचीत भी होते रहता है। और मतलब आप समझ सकते हो कि कितना नेक बंदा होगा कि जैसे भी हो हम लोगों से जुड़ गया है। चलिए आगे जाते हैं, वैली का नज़ारा देखते हैं। एक्चुअली ये सामने जो भी आपको नज़ारा दिख रहा है ये सब एप्पल गार्डन है। ये एप्पल गार्डनों में आपका जो जनरली एप्पल आता है, ये तो फरवरी से आपका अप्रैल महीने के अंदर में आप लोग जाएंगे इधर में तो पूरा भरा मिलेगा एप्पल के साथ में। ये पेड़ पूरा देखने में अलग ही नज़ारा मिलता है। और ये जो हम लोग रोड के साथ में जा रहे हैं तो रोड आप लोग को दिख रहा है कि एकदम स्मूथ है, एकदम ओके है, लेकिन ये थोड़ा अभी नीचे में है, जहाँ से ये चढ़ाई पकड़ना शुरू करेगा ऑलमोस्ट आपका हिमाचल के अंदर में रोड का कोई खास प्रॉब्लम तो हमको दिखा नहीं, लेकिन आप लोग जब ऊपर में चले जाएंगे थोड़ा एकदम रोहतांग पास के अंदर, मतलब थोड़ा ही नीचे रहेंगे तब तो जा कर के ये जो टांस है सब शार्प होते जाएंगे एंड चढ़ाई भी थोड़ा बढ़ते जाएगा। उधर का रोड थोड़ा ख़राब है। और इधर में हम लोग पहुंच रहे हैं अभी जो है गुलाबा बॉर्डर तक, गुलाबा बॉर्डर चेक पोस्ट है। गुलाबा बॉर्डर में जनरली आपका ये रोहतांग पास का परमिट आपको शो करना पड़ता है। रोहतांग पास का परमिट अगर आपका खुद का गाड़ी है तो पहले से निकल देना ज़रूरी है, क्योंकि उधर में जो है आपका 800 पेट्रोल व्हीकल्स एंड 400 आपका डीजल व्हीकल्स को ओनली अलाउ करता है हर एक दिन के अंदर में। ऑनलाइन परमिट मिलता है, आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या तो आधार कार्ड वगैरह शो करके आपको जाना है अगर आपका खुद का गाड़ी है तो। और जनरली अगर आप लोग शेयरिंग बेसिस में जाना चाहते हैं तो 800 रुपीज़ सीजन में और 500 रुपीज़ ऑफ सीजन में आपको चार्ज किया जाएगा। और अगर आप लोग 5% है या तो एक्चुअली 5% के लिए तो होता नहीं, 4% है तो 4% के लिए गाड़ी जनरली 2500 रुपया में मिल जाता है। और साल का 70% टाइम में जनरली आपका ये रोहतांग पास जो है रोड बंद रहता है। और इसी प्रॉब्लम के चलते अभी जो है रोहतांग से एकदम बारलाचा वैली तक आपका अंदर ही अंदर टैनल का काम चल रहा है जो 2019 में खुला जाएगा। आप कभी भी मनाली आओ, ये 2019 में आ रहे हो तो आपका ये टनल का नज़ारा बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि 8 से 9 किलोमीटर का ये टनल है
और ये टनल जो है 48 किलोमीटर रोड को 9 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देगा जब ये टनल जुट जाएगा। 2019 से ये टनल को चालू होना है और साल, हम तो आपको पहले ही बताया कि साल का 70% टाइम इसमें बंद रहता है रोहतांग पास। तो ये गुलाबा बॉर्डर जो चेक पोस्ट है ये ही आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ तक आप लोग जनरली जा सकते हैं। गुलाबा बॉर्डर तो कोई खास घूमने वाला जगह तो नहीं है लेकिन बर्फ़ खचाखच बढ़ा रहता है तो उस टाइम में जिस टाइम में रोहतांग पास बंद रहता है तो गुलाबा बॉर्डर तक आपको आते हुए बर्फ़ का पूरा एकदम खचाखच बढ़ा हुआ रास्ता मिलेगा। और ये देखिए रोहतांग हम लोग जितना करीब आ रहे हैं उसके साथ साथ ये रोड भी बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। रोड एकदम नैरो है, यहाँ से दो गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल का काम रहता है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा जगह में लोग इसको थोड़ा मिस इंटरप्रिटेट करता है। इतना तो डेंजरस है नहीं, कुछ कुछ जगह को छोड़ करके। ये रोड हाल ही में ही जो आपका बाढ़ आया था या तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ कुल्लू मनाली के अंदर में, अखबार में भी आया था, न्यूज़ में पढ़े थे आप लोग, तो इसके कारण से ही थोड़ा बहुत हुआ है, आप लोग को सामने दिख ही रहा है। लेकिन पर्टिकुलर इस 2 या 3 मिनट का रास्ता को छोड़ करके हमको उतना कुछ समझ में नहीं आया कि रोड उतना ख़राब है। गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रहे हैं और जाने में कोई असुविधा नहीं हुआ। लेकिन ये रोड के अंदर में एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको पीने लायक जो भी सामान है या खाने लायक जो भी सामान है वो गुलाबा बॉर्डर का चेक पोस्ट तक ही मिलेगा, उसके बाद में ऊपर में तो और कुछ नहीं मिलना। ये रास्ता में जाते हुए रोहतांग के रास्ता में ये आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, हम लोग इसमें ड्रोन भी उड़ाए थे, थोड़ा आप लोग इसका नज़ारे को मतलब इन्जॉय कर लीजिए। ड्रोन का नज़ारा है, जितना प्रोवाइड कर सका आप लोगों के लिए ओनली। मेरा चैनल देखिए, ये ड्रोन वीडियो और जनरल वीडियो और आपका फेस टाइम वीडियो सब कुछ मिला के एक कॉम्बिनेशन चैनल है। आप लोगों को जितना बढ़िया से सहायता कर सकते हैं इस चैनल के द्वारा तो हम चेष्टा किए जा रहे हैं। इसी तरह आप लोग अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसको सपोर्ट करते रहेंगे चैनल को, और लाइक्स वगैरह करते रहेंगे, शेयर भी आप लोग करते ही हो, इसलिए मेरा व्यू जो है चैनल का दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं। आप लोग इसी तरह कृपा बने रखिए और जुटता रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। ऐसे बढ़िया नज़ारा हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। NTV ब्लॉग टेक, फिर से बता रहा हूँ मेरा चैनल का नाम है, बीच बीच में बताते रहता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं, शेयर करेंगे नहीं या लाइक करेंगे नहीं, मेरा चैनल का मोटिवेशन मतलब मेरा खुद का मोटिवेशन बनता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखिए ये हम लोग एकदम पीक के एकदम नज़दीक में पहुंचना चालू कर दिए है, इसलिए एकदम बर्फीला पहाड़ी सब सामने दिखना चालू हो गया है। अब यहाँ का रोड भी आप लोग देख रहे हैं, बड़ा होते हुए भी उतना कोई ख़राब नहीं है। तो हम तो पहले ही बोल चुका है कि रोहतांग के रोड के ऊपर में बहुत कोई मतलब फेक वीडियोज़ है, बहुत कोई फेक नज़ारा है। ऐसा नहीं है कि बरसात के मौसम में इधर में ख़राब नहीं होता है, या तो आपका इधर में अगर बर्फबारी हो जाए, स्नोफॉल हो जाए तो रास्ता जनरली ख़राब होना ही है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। आप लोग बिल्कुल बिंदास होके इधर में आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर लोग तो बहुत कुछ समझाएगा या तो लोकल पब्लिक बहुत कुछ समझाएगा, वो लोगों को काम है, आपको गलत सलत समझाएगा और आपसे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेगा और कुछ नहीं। आप लोग निडर रहिए, आप लोगों को तो खास सामने ही नज़ारा दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आइए। और ये चालू हो गया आप लोगों के सामने आपका ये रोहतांग वैली का मेन पॉइंट, मतलब इधर में जो है पार्किंग वगैरह रहता है बाएं तरफ में, बगल में जो आपका ग्रीन कॉटेजेस दिख रहा है वो एक्चुअली है आपका टॉयलेट, ग्रीन टॉयलेट इधर में अवेलेबल्स है। तो इधर में बहुत पब्लिक जो है, बहुत ड्राइवर जो है, लोकल ड्राइवर जो है, इधर में सबको रुकवा देते हैं या तो इधर से ही वैली का नज़ारा देखने के लिए आपको बाध्य करता है। लेकिन इधर में रुकना नहीं है, इसलिए आपको ये वीडियो से बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि इधर में रुकना नहीं है, ऊपर तक जाना है। ऊपर तक कहाँ जाना है, जब भी ड्राइवर को हायर करोगे तब भी एक बार क्लियर कर लेना कि हमको रोहतांग वैली का पार्किंग तक नहीं जाना है, रोहतांग वैली से थोड़ा ऊपर जहाँ पे जीरो पॉइंट है, जीरो पॉइंट तक हमको जाना ही है। एक्चुअली जीरो पॉइंट हम पहले भी बोला था लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, उधर का नज़ारा जो है इस जगह से बहुत अलग है, और अलग मतलब बहुत सुंदर है। मतलब उधर में आप लोगों को आदमी भी बहुत कम मिलेगा, आप खुद एकदम शांति से उधर का नज़ारा को एंजॉय करने पाओगे। उधर में आपका खाली बर्फ़ के साथ में जो तस्वीरें आते हैं, या तो आपको जो बर्फ़ में स्की करना है, बर्फ़ के अंदर में आपको कुछ भी गोता लगाना है या तो कोई भी उल्टा पलटा कुछ भी करना है, सब आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। और उधर का नज़ारा हम तो आपको बार बार बोल रहा है, देखने लायक है, स्प्लेंडेड है, ऑसम है। तो आप लोग जरूर स्पीटी को एक्सप्लोर तो करना नहीं होगा, आपको खाली जीरो डिग्री पॉइंट तक आपको जाना है, जीरो पॉइंट तक आपको जाना है। तो आप ड्राइवर के साथ में पहले ही इसको नेगोशिएशन करके रखिए, नहीं तो ये लोग पहले
नहीं बोलेंगे तो ये लोग आके इधर में आपको नहीं लेके जाने वाले हैं। ये लोग वही पार्किंग के एरिया में आपको रुकवा देगा और आपको बोलेगा कि भाई इधर उधर घूम लीजिए भैया, हम लोग वेट कर रहे हैं। और जब भी आप लोग जाइए तो हाथ में मिनिमम 3-4 घंटे का टाइम ड्राइवर के साथ में क्लियर कट बोल के जाइए। जितना हो सके सुबह निकलिए, 8 बजे का टाइम बेस्ट होता है क्योंकि 12-1 बजे के बाद से पर्टिकुलर इस जगह का वेदर जो है आपका ख़राब होना चालू होता है। अगर बहुत आपका लक ख़राब हो गया तो स्नोफॉल मिलेगा। स्नोफॉल तो अच्छी बात है, देखने में भी एंजॉय करने में भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन इतना ऊपर से गाड़ी जो है बीच बीच में स्नोफॉल के लिए अटक जाता है। तो इस पर्टिकुलर कारण से ही हम बोल रहे हैं कि आप लोग सुबह का 8 बजे का टाइम को प्रेफर कीजिए। और आप लोग सामने देख ही रहे कि हम आपको जो बताए थे 0 डिग्री या तो 0 डिग्री पॉइंट या तो लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करने वाला इलाका जो है पूरा सामने दिख रहा है, आ गया है। इसका नज़ारा भी जो आप लोग जनरली हिंदी सिनेमा में देखते हो, बॉलीवुड सिनेमा में देखते हो, वैसे ही जगह है। तो इस जगह में आप लोगों को आना है। तो इस पर्टिकुलर कारण से ही हम इतना देर तक आप लोगों को समझाए या बके जा रहे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इतना देर तक आप लोगों को क्यों बोल रहे थे। इस जगह का नज़ारा अद्भुत है, आप लोग आइए एंजॉय कीजिए। और जैसे लेखराम भैया जैसे कोई बढ़िया ड्राइवर मिल जाए तो ठीक है, ये तो देखिए अपना लक का बात है। लेकिन इधर में आने के लिए पर्याप्त पानी, एकदम एडिक्वेट पानी आप लोग साथ में लेके आइए, और साथ में आपका च्युइंगम वगैरह सब कुछ साथ में रखिए क्योंकि गला सूखता है और इसमें पानी का भी दरकार होता है। कोई ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम इधर में है नहीं। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये ड्रोन शॉट है उधर का। ड्रोन शॉट तो देखिए हम लोग रास्ते में जाते हुए बहुत जगह में लिए, थोड़ा बहुत जो ग्लिम्सेस बच गया, मतलब इस लाइक जो है आपका रोहतांग पास का रोड का लाइक जो है वो सब ड्रोन शॉट तो हम अपना वीडियो में जोड़ दिए है। मेरा वीडियो में जनरली हम ड्रोन शॉट को बहुत प्रेफर करते हैं। और थोड़ा बहुत हम लोगों का फुटेजेस देख लीजिए आप लोग, जीरो पॉइंट का थोड़ा बहुत स्नैप्स है, जीरो पॉइंट का स्नैप्स है, ये सब ऐसे ही वीडियो जो है आप लोगों के सामने हम लोग बार बार लेके आएंगे। इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप लोगों को सुविधा होगा। और आप लोग बस कृपा बनाए रखिए, चैनल के साथ में जुड़ते रहिए। एनटीवी ब्लॉग में हर टाइम में आप लोगों को स्वागत रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एनटीवी ब्लॉग टेक। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और लोगों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, आगे बढ़ने में हम लोगों को सहायता मिलेगा। सो मेक सब्सक्राइब, मेक श्योर यू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।